Hi Sumit, welcome to Lovell's Cancer and Zanonkorot.io. This is our series Cancer Healing Journey, जहाँ पे हम लोग invite करते हैं ऐसे लोगों को जो cancer की journey से निकले हैं या फिर cancer की journey से अभी भी निकल रहे हैं. और हमारे लिए ये जो series है बहुत ही special है. It's very close to our heart because काफी हमें patients, caregivers and survivors ने बोला है कि जब हम किसी को सुनते हैं, जब हम किसी को देखते हैं जो सिमिलर जर्नी से निकले हैं, इट इंस्पायर्स अस अ लॉट. हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है उनसे. और जो कुछ मिस्टेक्स अगर उन्होंने किए तो हम लोग वो मिस्टेक्स नहीं करें या फिर उनकी क्या जर्नी रही थी, बिकॉज नोबडी नोज व्हाट टू डू व्हेन दे आर डायग्नोस्ड विद कैंसर. सो एवरीबडी इज लुकिंग फॉर सपोर्ट, लुकिंग फॉर अ डायरेक्शन, लुकिंग फॉर सम मोटिवेशन टू गो ऑन. सो व्हेन पीपल टोल्ड अस दैट इट्स रियली हेल्पिंग देम अ लॉट, वी थॉट व्हाई नॉट we invite people such as yourself who are caregivers or patients or survivors or healers or doctors so that wo apna journey, apna knowledge, apna experience dusron ke sath mein share kar sake. So I am Dimple Parmar, co-founder and the CEO of Lovell's Cancer and Zanonkorot.io, and my journey with cancer started 3 years back when I lost my husband to cancer. And today me and my partner Kishan Shah, we both are together working on this venture and helping cancer patients. So thank you so much Sumit ji for joining us, and it's an honor to have you with us. Aap apne bare mein batayenge aapki journey cancer ke sath kaise shuru hui and how aapki mother ko cancer diagnose hua tha, kab diagnose hua tha, aur wo jo diagnosis ka process hota hai, maybe kisi ke liye wo shock hota hai, trauma hota hai, aapke liye wo journey kaisa tha aur kaise aapne us journey se navigate kiya. एक्चुअली कैसे हैं, माय नेम इज सुमित राणे, और मेरी माँ को ब्रेस्ट कैंसर एक्चुअली उसने ही खुद डिटेक्ट किया. शी हैड अ लंप एंड शी टोल्ड दिस, शी एक्चुअली बहुत दिनों तक, ऑलमोस्ट 6 महीने तक उसने उसको हाइड किया, बिकॉज शी डिड नॉट वॉन्ट टू टेल एनीबडी एंड मे बी शी डिड नॉट वॉन्ट टू हियर दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कैंसर, बिकॉज शी हैज बीन लिसनिंग, टीवी देख रही थी, उसको मालूम था कि कोई लंप है तो मोस्ट प्रोबेबली वो कैंसर ही हो सकता है. तो शी डिड नॉट वांट टू कम आउट कि ये तुरंत उसको फेस करना नहीं था, तो उसने 6 महीने बताया नहीं. फिर सडनली एक दिन उसने भाई, छोटे भाई को बताया कि ऐसे ऐसे लंप है ब्रेस्ट में. तो उसने हमारा जो रेगुलर चेकअप होता है उसका 6-6 महीने में, उसमें भी हम लोग बेसिक पैरामीटर्स ही चेक करते थे, ब्लड का, ब्लड काउंट्स एंड ऑल दोस थिंग्स, बट नेवर अबाउट कैंसर. वी नेवर थॉट अबाउट दिस. रूटीन चेकअप में सीरम, क्रिएटिनिन, ब्लड शुगर लेवल और बाकी जो पैरामीटर थे वही चेक करते थे, लेकिन जब डॉक्टर को बताया गया तो डॉक्टर ने बताया कि यू हैव टू डू सोनोग्राफी. राइट. सोनोग्राफी के बाद उसने जब रिपोर्ट देखा तो ही टोल्ड यू हैव टू गो टू टाटा, एंड टाटा का नाम सुनते ही माय ब्लड प्रेशर, आई एम अ ब्लड प्रेशर पेशेंट, रोज टू ऑलमोस्ट मोर देन 200. And within that crowd, trying to मेरे patient को सबसे ज़्यादा attention कैसे मिल सकता है, ये इसके लिए भागदौड़ जो है टाटा में वो चालू हो गई हमारी. Yeah. And then टाटा में उधर भी I can understand their difficulties also. वहाँ पर patient की संख्या बहुत ज़्यादा है, but then मेरा patient मेरा ही patient था, मुझे लगता था कि उनको special attention मिलना ही चाहिए. तो वहाँ पर अलग अलग modes है admissions के, तो general में नहीं लिया मैंने, because I could see the patients lying on the floor in general ward. So I got special packages, मैंने लिया उसमें. तो special में semi में कुछ एक option था तभी, और एक golden package था, तो semi में मैंने ले लिया. Semi में लेते ही फिर doctor ने detect किया, FNAC test किया, so they couldn't come to any conclusion. But फिर उसके बाद उन्होंने biopsy के लिए सोचा. Biopsy के लिए उन्होंने date दिया, 21 days का वेटिंग लिस्ट था. राइट. 21 डेज के बाद आपका ऑपरेशन होगा. देन और एक मन में था ही कि अभी 21 डेज में पेशेंट क्या सिचुएशन में जाएगा और फिर
पेशेंट का वो ज़्यादा बढ़ेगा नहीं ना, फिर ये सब थॉट प्रोसेस 21 डेज पे चल रहा था। समहाउ आर्ट्रैक जो है खारगर में, वहाँ ऑपरेट हो गए, माँ का ऑपरेशन हुआ, लंपेक्टॉमी हो गया, नॉट द कम्प्लीट ब्रेस्ट, इट वॉज लंपेक्टॉमी। एंड देन बायोप्सी में ग्रेड 3 का कैंसर था ऐसा उनका रिपोर्ट कहता है। देन 6 साइकल्स ऑफ केमो, 3 रेडिएशन साइकल, एंड देयर आफ्टर 3 मंथ्स का उनका ये था, 3 मंथ्स में बुलाते थे। एंड नाउ डाउन द ईयर्स, इट वॉज इन 2012 that right. we started this journey. Then she was 61 years of age, and now it is 2020. So now only one pill letrozole is going on, and she is fine, totally fine. Lekin maine ek dekha hai ki she was more better prepared for this, to handle the situation than we were. Hum log jo family members hai, my father, my all the brothers, they were totally disheartened. Matlab ye ho gaya ki abhi kaise face karenge. Right. So she was giving us the confidence, nahi, I will come out of this, don't worry. Yeah. So actually her confidence, jo uska jo confidence hai na, uski wajah se hi wo bahar aayi hai, aise mujhe lagta hai. Abhi tak report, jitne mammography reports nikale hai 6 mahine ke baad, wo totally negative se goli pe tak chal raha hai. Recently lockdown mein bhi Tata se phone aaya tha ki goli khatam ho gayi hai, so you can call us and then we will give you the again the issue of the medicines. Right. So ye journey tha, and the whole credit goes to her only, because chemo ke cycles mein maine usko bataya tha ki baal aapka nahi jayega, but 2-3 din ke baad phone aaya ki mere baal ja rahe karke, but then she handled it very nicely. Wow. Uske baad she had a complete dysentery, usko baar baar ho raha tha, then also she handled it nicely. Right. बीच में एक बार ऐसे हुआ कि टाटा में लाइन लगती है, बहुत सारे पेशेंट्स केमो के साइकिल्स के लिए जाते हैं, सवेरे जाओ तो शाम को नंबर लगता है, इसके लिए हम लोग ने प्राइवेट पे किया, तो उसके हाथ में इन्फेक्शन हुआ, एंड द डॉक्टर फोल्डेड इन मी लाइक एनीथिंग, देन आई फेल्ट आई डिड द मोस्ट रॉन्ग थिंग इन माई लाइफ, कि उसको उधर से प्राइवेट में लेके गए। तो उसके बाद 21 साइकिल्स में उसका एंटीबॉडी ट्रीटमेंट चालू हो गया, तो जो उसका जो इन्फेक्शन था वो नॉर्मल में आ गया, फिर उन्होंने केमो साइकिल चालू किया। रेडिएशन के लिए अगेन वो साइकिल्स के लिए आई फील टाटा इज डूइंग इज बेस्ट, बट देन सवेरे से एक पेशेंट को लेके जाओ, शाम तक बैठे रहो वहाँ पर, फिर नंबर आ जाता है, फिर वो एक्चुअली बहुत पेनफुल प्रोसेस है पेशेंट को सवेरे से शाम तक, अपार्ट फ्रॉम केमो वो तो पेनफुल है ही है। इनिशियली एटलीस्ट द इनिशियली 2 साइकिल्स, बाद में फिर उन लोग बॉडी एडजस्ट हो जाती है, एंड रेडिएशन आल्सो शी कुड मैनेज इट, बिकॉज मुझे लगता है वो ज़्यादा एक्सपोजर नहीं था, एक लिमिटेड स्पेस पे एक्सपोजर था उसका। एंड डाउन द लाइन शी स्टार्टेड डूइंग क्रिया योगा आल्सो। अच्छा। एंड क्रिया योगा में आई आल्सो डू पर्सनली क्रिया योगा, और मेरा फीलिंग है और शी इज आल्सो हैविंग द फीलिंग कि वॉट एवर कम्स टू अवर बॉडी, इट इज बिकॉज ऑफ अवर पास्ट कर्मास, and it is not only important to have chemo or whatever alternative medicines, homeopath or ayurveda or cow therapy, urine therapy, whatever it is, that apart you should be having you should be washing out your karmas also, past karmas, and kriya yoga helped her a lot. She is doing kriya yoga for the past 5 years now, right? And I feel that is also helping her out in washing out her past karmas and trying to heal the cancer, जो कुछ था वो heal हो गया उसकी वजह से। Right. Okay. और अभी वो बिल्कुल ठीक है? Yeah, yeah. Now she is totally fine. Past 2-3 reports are totally negative. Wow, that's really good to know. वो आपके साथ में है अभी, हम उनसे बात कर सकते हैं क्या? वो इधर से भाग गई, अभी मैं बात करने वाला हूँ इसके लिए। अच्छा। she is comfortable with TV but not with mobiles. अच्छा, उन्हें कंफर्टेबल नहीं है, कोई बात नहीं। मुझे लगा कि यू नो कई बार जब उनके मुंह से हम डायरेक्टली सुनेंगे तो काफी लोगों को काफी यू नो कनेक्ट टू, बट देन कल मुझे अभिष ने भी पूछा था कि वो आएंगे क्या, तो मैंने बोला नहीं, वो उनकी कम है, कोई बात नहीं, बट देन शी कैन ऑलवेज बी अवेलेबल इफ शी इज किसी को मराठी से बात करना है तो शी इज ऑलवेज अवेलेबल। ओके, मराठी में बात कर सकते हैं वो? हां, तो किसी को अगर कॉल करके बात करना है तो कॉल कर सकते हैं, एंड शी कैन टेल हर एक्सपीरियंस आल्सो। ओके, गुड गुड, थैंक यू, ये काफी हेल्पफुल रहेगा। तो
जो लोग मराठी समझते हैं वो लोग भी कनेक्ट कर पाएंगे उनसे अच्छे से. ट्रू ट्रू. एक्चुअली मैं आपको ये भी बताने वाला था, बिकॉज व्हाट हैपेंस ना, टाटा में जब हम लोग जाते थे ना, आजू बाजू में सब पेशेंट है ना जिनका रिकरेंस हो गया है वो पेशेंट्स बैठे रहते थे, जिनका हुआ है वो बैठे रहते थे, और वहाँ पे हील होने वाले पेशेंट बहुत कम होते थे. राइट. तो बाजू वाले शहर क्या करते थे, अरे मैं 2 साल पहले आई थी, किया था, फिर हो गया. डाउन. बट नाउ वहाँ पे जो बाकी के जो हील हुए पेशेंट कभी नहीं आते थे. तो वॉट एवर यू आर डूइंग इज अ वेरी गुड थिंग. जो हील हुए पेशेंट है उनका प्रेफरेंस लोगों को दे रहे हैं. थैंक यू सो मच. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको तो पता है कि एंड कैंसर उतना स्केरी नहीं है जितना स्केरी लगता है. इट्स जस्ट दैट यू नीड टू नो द राइट थिंग्स एट द राइट टाइम एंड इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी थिंग्स. तो एंड देयर आर मेनी सर्वाइवर्स, मेनी पीपल हु हैव यू नो गॉट क्योर्ड, यू गॉट हील्ड एंड an amazing people out there. So what we are doing as a part of this cancer healing journey, we are inviting those stories, those journeys, so that other people can learn from each other and can be an inspiration to each other, because every story is heroic in its own ways. And aapki mother ne, aapne jaise unki caregiving kiya, I'm sure ki cancer diagnose hota hai, fir jo pura treatment ka process hota hai, aapke liye bhi wo utna easy nahi raha hoga, emotionally, financially, work-wise and personal life, many other things. तो आपकी जर्नी भी अपने आप में बहुत ही जिससे हमें सीखने को मिलता है, और स्पेशली उनकी भी, तो हम उनसे भी अलग से हम बात करेंगे. सो मुझे आपसे जानना था कि जब आप इस जर्नी से निकल रहे थे, आई एम श्योर कि घर में बच्चे भी होंगे, आपका ऑफिस भी होगा, बहुत चीजें होंगी, तो आपके लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग पार्ट क्या रहा था और उसको कैसे आपने सॉल्व किया? एक्चुअली कैसे था ना, एक तो हम लोग तीन भाई है, तो टू डिस्ट्रीब्यूट द वर्क इन सेंस, जब भी अपॉइंटमेंट होता तो मुझे अगर वक्त नहीं है तो मैं बड़े भाई को बोल देता था या फिर छोटे भाई को बोल देता था. एंड देन कभी केमो साइकिल जाना है तो दोनों भाइयों के पास व्हीकल्स है तो उसको लेके जाते थे, और वहाँ पर ट्रीटमेंट होने के बाद उसको घर में भी लेके आते थे. तो वी यूज टू एडजस्ट अमंग्स आवर सेल्फ कि कौन कभी जाएगा, कौन ट्रीटमेंट ओपीडी में जाएगा, सब कुछ हम लोग ही देख लेते थे. अभी नाउ वी ऑल थ्री आर यूज्ड टू इट कि कहाँ जाना है, कौन से टेबल पे फाइल रखना है, ऊपर नीचे ऊपर रखना है, नीचे रखना है, फिर अपना टीवी पे कॉल आएगा, फिर अंदर कौन से किधर जाना है केबिन में. वी आर यूज्ड टू इट नाउ बिकॉज़ वी हैव बीन डूइंग इट फॉर द पास्ट 6 इयर्स, 6 to 7 इयर्स नाउ. तो हाँ, तो अभी मुझे लगता है कि दैट वॉज नॉट अ बिग इशू बिकॉज वी वर थ्री ब्रदर्स. मुझे लगता है जहाँ पर कोई एक ही पर्सन रहेगा तो शायद ये कंसर्न हो सकता है. आई बीइंग अ बिजनेसमैन, मुझे टाइम का वैसा कुछ ये नहीं था, सुबह जाना है, शाम को आना है, तो आई कुड, द फ्लेक्सिबिलिटी था मुझे. तो मोस्ट ऑफ द टाइम आई यूज्ड टू बी विद माय मदर. ट्रू. एंड समटाइम्स व्हेन आई इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर मी, माय ब्रदर्स वर देयर विद अस. एब्सोल्युटली, फैमिली सपोर्ट इज वेरी मच नीडेड. या डेफिनेटली. एक्चुअली वही होता है ना, एक इकोसिस्टम होना चाहिए घर में. अगर बार बार हम लोग वही टॉपिक पे बात करेंगे तो वो लोग और डिप्रेस हो जाते हैं. ट्रू. मेरे मौसी है वहाँ पर, उधर भी ऐसे ही हो रहा है कि कैंसर है तो ये होना चाहिए, होना चाहिए, बट नोबडी इज टॉकिंग पॉजिटिव दैट वे. कैंसर मतलब लोग अभी भी समझ रहे हैं कि कैंसर मतलब मौत, टाटा मतलब मौत. सिनोनिम्स ऑफ टाटा इज डेथ. फॉर मी टाटा इज लाइक अ टेंपल जहां से इतने लोग ठीक होके निकलते हैं. या ट्रू ट्रू ट्रू. नाउ पीपल डोंट नो, उन लोग क्या है पहले का ही कुछ सोच के है. नाउ जस्ट बिकॉज आई कैन गो ऑन इंटरनेट, आई कैन सर्च फॉर द इंफॉर्मेशन, जब कुछ ये जब समझ में आया तो मैंने पूरा स्टडी कर लिया कि क्या होता है लंपेक्टोमी, क्या होता है, बाकी क्या कैंसर का ग्रेड स्टेजेस क्या होते हैं, सब मैंने पूरा स्टडी कर लिया. सो इट वाज अ लिटिल बिट रिलैक्सिंग फॉर मी. ठीक है, बहुत ही इनिशियल स्टेज में हम लोग गए वहाँ. राइट. उन्हें कौन सा स्टेज था? ग्रेड 3 था उनका, और इट वाज ओनली 2 सेंटीमीटर, इट वाज सिंगल लंप ओनली, नॉट मल्टीपल लंप्स. ओके, दैट वाज इजी फॉर डॉक्टर्स टू ऑपरेट. गुड, शी फाउंड इट आउट अर्ली. उन्होंने खुद ने सेल्फ डिटेक्ट किया. राइट राइट राइट. सेल्फ डिटेक्ट किया बिकॉज़ ना शी वॉचेस टीवी रेगुलरली, एंड वहां पर वो ऐसे इंफॉर्मेशन मिलते रहते हैं कि कैसे चेक करना है, क्या करना है. वो तो फिर उसने, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट बोला है यहाँ पे कि अवेयरनेस की कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि आपने बताया कि वो टीवी देख रही थी और टीवी देखते देखते उन्हें पता चला कि ब्रेस्ट को एग्जामिन कैसे करते हैं. दैट्स हाउ शी फाउंड आउट अबाउट हर कैंसर. या ट्रू ट्रू ट्रू. एक्चुअली दिस डजंट हैपन इन, आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन कुर्ला एरिया,
वहाँ पे ये सारे इन्फॉर्मेशन नहीं होते हैं. एंड एक्चुअली दैट द थिंग इज अ टैबू ओनली, ऑल दिस इन्फॉर्मेशन गोइंग डाउन टू दैट पॉपुलेशन. लोग इसको ये सीरियसली नहीं करते. इवन सर्वाइकल कैंसर माय मौसी, उसकी सगी सिस्टर को हुआ है अभी, लेकिन शी नेवर गिव दैट इम्पोर्टेंस टू दैट नॉलेज. शी इज टू बी, तो शायद उसने बहुत लेट डिटेक्ट किया. तो शी इज अंडर गोइंग ट्रीटमेंट नाउ इन टाटा. शी इज फाइन नाउ एट प्रेजेंट. शी इज फाइन. Got it. Good. Yeah, definitely. इन सब चीजों की शेयरिंग की और अवेयरनेस की काफी ज्यादा जरूरत है. एंड आई एम सो ग्लैड कि आप, आपकी मॉम ठीक हो गई इससे. और आपको सबसे ज्यादा हेल्प किस चीज से मिली, चाहे वो मे बी इट्स सम पर्सन और अ फ्यू थिंग्स, मे बी डॉक्टर, मे बी सम सपोर्ट, मे बी फाइनेंशियल सपोर्ट या सम गाइडेंस ऑन लाइफस्टाइल चेंजेस, आपको क्या चीज सबसे ज्यादा सपोर्ट मिला? मुझे सपोर्ट इन अ सेंस टाटा से सपोर्ट था. वो भाग भाग दौड़ दौड़ के हम लोग सपोर्ट ले रहे थे जबरदस्ती वहाँ पर. लेकिन एनी वे आई वी कैन अंडरस्टैंड दे आर हैंडलिंग मोर देन 50,000 पेशेंट्स अ ईयर. मोर देन दैट टाइम दे वर टेलिंग मी दे वर हैंडलिंग 43,000 पेशेंट्स अ ईयर. नाउ आई थिंक इट्स 2000 मे बी इट हैज क्रॉस्ड अभी. तो लेकिन सपोर्ट इन द सेंस, सिंस वी ऑल थ्री वर एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड, हम लोग इन्फॉर्मेशन बार बार इंटरनेट में क्रॉस चेक करते थे. कोई भी रिपोर्ट आ गया तो हम लोग उसको एक वर्ड टू वर्ड हम लोग इंटरनेट पे चेक करते थे कि इसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है. राइट. एंड दैट वाज गिविंग अस अ कॉन्फिडेंस कि ठीक है, दैट दिस थिंग, माँ का कॉन्फिडेंस भी है और इट कैन बी मैनेज. तो इन्फॉर्मेशन फ्लो जो था ना, वो हमको हेल्प कर रहा था. रादर फाइनेंशियली वी वर स्ट्रॉन्ग, सो दैट वाज नॉट एन इशू. एंड ओनली इन्फॉर्मेशन मुझे लगता है मुझे कॉन्फिडेंस दे रहा था, हमारे फैमिली मेंबर्स को कॉन्फिडेंस दे. ट्रू. राइट. एंड आपको कभी ऐसा लगा कि काश आपके पास में ये सपोर्ट होता है, ये गाइडेंस होती तो जर्नी और स्मूथ हो जाती? इज देयर एनीथिंग व्हिच यू फाउंड मिसिंग फ्रॉम योर जर्नी? हां, अभी कैसे होता है ना, इन्फॉर्मेशन परकोलेट होता है. कोई बताता है धारीवाल मानीचंद का कैंसर हॉस्पिटल है गुजरात में, तो उधर आप जाएंगे तो अच्छा पड़ेगा. कोई बोलता है पनवेल में कोई आदमी काढ़ा देता है, आप उधर जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा, हमको बहुत फर्क पड़ा है. मध्य प्रदेश में कोई काउ यूरिन थेरी कोई कर रहा है, तो उधर जाएंगे तो अच्छा होगा. मतलब ये इन्फॉर्मेशन अगर एक प्रॉपर फॉर्मेट में कैंसर पेशेंट को मिलेगा ना, तो मे बी ही विल हैव सम अल्टरनेटिव. अपार्ट फ्रॉम ही हैज टू डू द केमो, ही हैज टू डू द रेडिएशन, आई एम नॉट डिनाइंग दोस, लेट एवरीबॉडी डू दैट. एंड देयर आफ्टर ये अगर वो करता है योगा प्राणायाम मेडिटेशन, बेसिकली ध्यान अगर ये करता है, अपार्ट फ्रॉम दिस योगा जो कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन है वो अगर करता है ना, आई फील पीपल कैन कम आउट ऑफ. राइट. Right. लेकिन ये इन्फॉर्मेशन है ना, एक कोई उधर में जब खड़ा था तो किसी ने बताया आप हिमाचल प्रदेश में जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये नंबर देता हूँ, आप वहाँ पे आप मेडिसिन ले लो तो फिर 100% क्योर हो जाएगा, ऐसे एक ने बताया. तो पीपल हैव, देयर आर मेनी पीपल एंड मेनी ऑप्शंस आल्सो, मेनी गोइंग दैट, मेनी ऑप्शंस. या राइट. तो ट्रीटमेंट के अलावा आपने क्या क्या लाइफस्टाइल चेंजेस किए आपकी मॉम ने, जिनसे उनको काफी गाइडेंस मिला या फिर उनके साइड इफेक्ट्स कम हो गए या फिर उन्हें उनका जर्नी स्मूथ रहा? कुछ ऐसे चेंजेस थे जो उन्होंने किए, जैसे आपने एक मेडिटेशन बताया, क्रिया बताया? बेसिकली हम क्रिया योगा वाज देयर ओनली, बट वॉकिंग उसने चालू किया सवेरे का. शी वॉकिंग, तो वहां पे एक वेट लॉस का एक बैनर लिखा है टाटा में, जो बेस्ट डिपार्टमेंट है वहां पर ही, और उसमें जितना वेट लॉस रहेगा रिकरेंस कम रहेगा. अच्छा. मतलब वेट मैनेज करेंगे तो रिकरेंस कम रहेगा. तो उसने वॉकिंग चालू किया एंड ध्यान किया, बट अदरवाइज उसने जो जो खा रही है वो खा ही रही थी, वेज नॉन वेज दोनों खा रही थी. शी वाज नॉट स्पेसिफिक कि नॉन वेज को अवॉइड करना है. अभी वो धीरे धीरे कम हो गया नॉन वेज. अच्छा. लेकिन अभी भी है नॉन वेज टोटली वहाँ. बाकी ऐसा कुछ स्पेशल ही नहीं लिया. आई फील हर स्टेट ऑफ माइंड वॉज इम्पोर्टेंट. Wow. Yeah, I am going to come out of this, and that only helped her, I feel. True. State of mind is very important, and in fact, मैं काफी काफी stories जो सुनी है मैंने, पढ़ी है, सब में common चीज मुझे most में देखने को मिलती है कि state of mind is very important. And we recently had a healing circle on the power of mind. Yeah, I have gone through that mails and I have seen all those things. Okay, great. Yeah. Because I'm in loop with that emails coming to me. Okay. So you try various things. Yeah. But I feel कि मेरे क्रिया योगा में already सब कुछ है वो. अच्छा. तो आप लोग बता रहे हैं. So nice. Anyway, you are going doing a very good thing.
Thank you so much. Yeah, what do you think about this healing circles and this conversation we are having? So, आपको कैसे लगता है कि because आप caregiver हैं, आप इस journey से निकल चुके हैं, तो आपको लगता है कि ये जो चाहे वो virtual space जो हम online create करते हैं या फिर जो ये conversation है जो हम बहुत सारे लोगों के साथ में share करेंगे, कैसे ये help करेगा लोगों को? Actually ना जब ये cancer होता है ना that person feels lonely कि वो अकेला ही है और मुझे ही क्यों हुआ है, तो सडनली वो एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस में निकल जाता है. मुझे लगता है कि इमीडिएट फैमिली मेंबर्स अगर एजुकेटेड है तो शायद वो ज़्यादा अच्छा सपोर्ट दे सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो आपका ये जो सर्कल्स है या लव हील्स कैंसर का जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे डेस्क भी है कैंसर हॉस्पिटल में जहाँ पे लोग NGOs है जो पैम्पलेट्स बांटते हैं. लेकिन मुझे लगता है ना एक्चुअल एक्सपीरियंस अगर कोई शेयर करता है, अगर कोई एक्चुअल सपोर्ट देता है ना, तो दैट विल हेल्प other than the pamphlets. Pamphlets definitely information देते हैं, लेकिन वो कितना हम लोग उसको absorb कर पाते वो जो अंदर जो दिया हुआ information है, that matters. But then आजू बाजू के लोग अगर positive है तो मुझे लगता है कि that will definitely help. And your organization is doing a very good thing. You जो space तभी नहीं था 2012 में, आज आप वो space में जो vacuum था वो आप भर रहे हैं. Thank you so much. In fact, जब मैं जर्नी से निकल रही थी तब मुझे भी लगा था कि I was looking for survivors, for people who have gone through same cancer, similar journey. बहुत जगह मैंने ढूंढा, इंडिया में, अब्रॉड, सब जगह पे. बहुत मुश्किल से मुझे काफी लेट मिले सर्वाइवर्स या फिर लोग जो जर्नी से निकले हैं. डॉक्टर्स यूजुअली इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर करते हैं बिकॉज कॉन्फिडेंशियलिटी है. तो मुझे लगा है कि यार ये चीज तो मतलब अगर इंडिया में 25 लाख लोग अगर आज कैंसर से जी रहे हैं तो इतना डिफिकल्ट क्यों है उन 25 लाख को निकालना. अगर हम बोलते हैं कि कैंसर बहुत ही कॉमन डिजीज है और बहुत लोगों को हो रहा है अभी, तो मैं उन लोगों को क्यों नहीं जानती हूँ, जब आज मुझे जरूरत है तो वो लोग मेरे पास में क्यों नहीं है. तो वहीं से हमने ये शुरू किया, एक स्टोरी से, दो जर्नी से, तीन से, और फिर धीरे धीरे लोग जुड़ते गए और होता गया और ये अपने आप ही अभी हो रहा है. तो वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्टर के ट्रीटमेंट के साथ में कम्युनिटी सपोर्ट गाइडेंस होना काफी जरूरी होता है. एंड बट हमारा एक छोटा सा उसके लिए स्टेप है एंड आप इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सो थैंक यू सो मच. नहीं नहीं, एज फार एज दिस होल थिंग गोज ना, व्हेनेवर यू रिक्वायर एनी सपोर्ट आई विल डेफिनेटली बी दैट बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू इट एंड आई नो कि दिस इज अ वेरी क्रूशियल स्टेज इन लाइफ. एंड जितना सपोर्ट मिलेगा उतना वो पेशेंट वो थॉट प्रोसेस से बाहर आएगा कि नहीं मुझे कुछ नहीं होने वाला. राइट. एंड अभी जस्ट आप में एक और कॉल पे थी और उन्होंने बताया कि मैंने जब उनसे पूछा कि आपकी उनकी भी मदर को था, मैं डॉटर से बात कर रही थी एंड डॉटर सेड दैट, मैंने बोला उनसे कि आपका केयर गिवर्स के लिए क्या मैसेज है या पेशेंट के लिए क्या मैसेज है, तो उन्होंने बोला कि कैंसर की तो ऐसी की तैसी. मतलब ये इट्स नॉट अ बिग थिंग, इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग. ट्रू, एक्चुअली ट्रू, बिकॉज़ ये तो पहले जमाने में एक था कि कैंसर मतलब मौत ही है, लेकिन आज बहुत एडवांस हुआ है और मुझे नहीं लगता है कि लोग उस कंक्लूजन पे जंप करना चाहिए कि कैंसर हुआ तो मेरा लाइफ अभी खत्म हो गया. एक्चुअली राइट. एंड उनका तो काफी एडवांस स्टेज था, दो बार कैंसर फिर से आ गया, ब्रेन में भी था, लॉस्ट बैलेंस, काफी इश्यूज थे. बट मोटिवेशन, विल पावर, फैमिली सपोर्ट, जैसे आपके पास फैमिली सपोर्ट था, आपकी मदर काफी लकी है कि आप सब लोग उनके साथ में थे, उनका ध्यान रखा आपने, वेरी मच नीडेड. एंड आप अच्छे हॉस्पिटल में थे जो या डाटा जाके लोग ठीक होके आते हैं, सो यस. एक्चुअली दे हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस. प्राइवेटली जाना वो कॉस्टली भी हो जाता है, टाटा में रीजनेबल कॉस्ट है, मेडिसिन का कॉस्ट भी विदाउट टैक्स वो बहुत ही रीजनेबल है. एंड एक्सपीरियंस काउंट्स अल्टीमेटली, भले वहाँ पे मुझे दो घंटा खड़ा रहना पड़ेगा तो भी चलेगा, लेकिन अंदर जाने पे मुझे एक राइट बोलते हैं ना, एक राइट पर्सन मिल रहा है मेरे माँ के लिए. इनफैक्ट आपने जब एक्सपीरियंस की बात की तो हम लोगों ने अभी एक नया टूल लॉन्च किया है जायो पर, zenonco.io, इंटीग्रेटिव ऑन्कोलॉजी प्रिलिमिनरी असेसमेंट टूल. तो उसमें क्या होता है कि आप अपनी बेसिक डिटेल्स डाल दीजिए, टाइप ऑफ कैंसर, स्टेज ऑफ कैंसर, कौन सा अभी एक्टिविटी लेवल कितना है, पहले कौन सा ट्रीटमेंट लिया है और आपको कोई और डिजीज है क्या, तो ये आपको पूरा रिपोर्ट निकाल के देता है कि आपका ट्रीटमेंट ऐसा होना चाहिए
उसके साथ साथ में आपके लाइफस्टाइल चेंजेस क्या क्या होने चाहिए और वो हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया है कि आप डॉक्टर से तो मिलते हैं, उससे पहले आप, अभी तो कोविड का टाइम भी है तो लोगों का इतना अप्रोचेबिलिटी नहीं है डॉक्टर की, बैठे वो देख सकते हैं कि आपका ट्रीटमेंट कैसा होने वाला है. We are, as you rightly said, information is very much needed. So we are educating people, patients and caregivers with that information. उनको अपना तुरंत ही 5 मिनट में ईमेल में उनको रिपोर्ट आ जाती है पूरी 30 पेज की अप्रोक्सीमेटली, आपको ये सारा आपका मेडिकल ट्रीटमेंट होगा और ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री ट्रीटमेंट होना चाहिए. तो पेशेंट गेट्स एम्पावर्ड कि अच्छा आई नो माई मेडिसिन, आई नो कि मेरा क्या ट्रीटमेंट होने वाला है या क्या हो रहा है. एंड देन अल्टीमेटली यू गो टू डॉक्टर एंड देन डू द ट्रीटमेंट एंड देन यू कैन वेरीफाई की सब कुछ ठीक है ना. तो जब आपने ये चीज बोली ना एक्सपीरियंस की, व्हाई आई एम शेयरिंग दिस बिकॉज जब हम ज़ायोपर बना रहे थे टीम, तो डॉक्टर्स ने बोला कि जो ज़ायोपर बनाया है हमने, उसमें जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस होती है कैंसर की, जो अमेरिकन सोसाइटी या यूरोपियन सोसाइटीज या NCCN फॉलो करती है, उससे बनाया है. तो डॉक्टर्स ने बोला कि हमारी टीम को कि ये गाइडलाइंस तो हमेशा लाइक 50% ही काम आती है, बाकी तो एक्सपीरियंस काम आता है. तो गाइडलाइंस आर देयर व्हिच द एंटायर वर्ल्ड फॉलोज, बट स्टिल उनका एक लिमिटेशंस है. अल्टीमेटली तो ट्यूमर का पोजीशन, पेशेंट की कंडीशन और बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है कि ट्रीटमेंट क्या होने वाला है. तो एक्सपीरियंस मैटर्स अ लॉट एंड आई एम ग्लैड दैट आपकी मदर का राइट जगह पे राइट डॉक्टर से ट्रीटमेंट हुआ. राइट राइट राइट. आपका नहीं, अच्छा है आपका. देखो कैसा है ना कि एज यू से ना कि आप जो शेयर करेंगे अभी ये इन्फॉर्मेशन जो आपने टूल बनाया है, एटलीस्ट वो लोगों को आइडिया तो आएगा कि हम लोग अभी क्या प्रोसेस में जाने वाले हैं. अदरवाइज इज अ बिग क्वेश्चन मार्क कि मैं कौन से स्टेज में हूँ अभी, डॉक्टर मुझे कितने रेडिएशन के साइकिल बताने वाले हैं, उसका 21 हो गया है तो मेरा 6 क्यों है. एग्जैक्टली मुझे फिर से जाना पड़ेगा क्या साइकिल करना पड़ेगा, रेडिएशन का साइकिल कितना रहेगा, मतलब लॉट मेनी क्वेश्चन एंड आंसर्स डोंट फोर्थ कम फ्रॉम द टाटा बिकॉज दे आर बिजी, वेरी बिजी. तो मुझे लगता है शायद आपका ये जो टूल उनके बहुत अच्छा काम में आएगा उस टाइम. थैंक यू. या लाइफस्टाइल चेंजेस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज नाउ आई एम एसोसिएटेड विद अतुल शाह आल्सो बिकॉज ही इज प्रमोटिंग वेजिटेरियन. आई एम टोटली वेजिटेरियन एंड अपार्ट फ्रॉम दैट योगा एंड मेडिटेशन आई एम स्टिल डूइंग क्रिया योगा. तो आई थिंक कि पैरेलल एक बैलेंसिंग फोर्स होना चाहिए बिकॉज ये जो इम्बैलेंस हुआ है पूरे लाइफस्टाइल्स में हमारे, उसको एक बैलेंस करने वाला जो 100 ईयर्स पहले हम लोग कर रहे थे, अभी हम लोग नहीं कर रहे सब कुछ. हम लोग हेल्दी लाइफस्टाइल था हमारा 100 ईयर्स बैक, तभी केसेस भी कम थे. तो वी हैव टू रिवर्ट बैक विद प्रेजेंट लोड, वी हैव टू रिवर्ट बैक टू द सेम थिंग. मतलब जो हम लोग 100 साल पहले खाना कैसे खाते थे, एक्सरसाइज करते थे, भजन करते थे, ऑल दीज थिंग्स आर नीडेड बैक अगेन टू हैव अ स्ट्रेस फ्री एनवायरमेंट. अभी स्ट्रेस बस्टर्स नहीं हो गए, सीरियल से स्ट्रेस लोड स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं, और पहले ऐसे नहीं था. पहले हम लोग स्ट्रेस बस करते थे इधर मंदिर में जाके, नहीं हो रहा है वैसे नहीं हो रहा है. और हम लोग हेल्दी फूड खाते थे, आज पेस्टिसाइड लेडन पूरा फ्रूट्स खा रहे हैं, वेजिटेबल्स खा रहे हैं. दैट्स व्हाई एज यू राइटली सेड केसेस बढ़ रहे हैं. पहले इतने केसेस नहीं हो रहे थे, अभी केसेस बढ़ रहे हैं. तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपार्ट फ्रॉम दिस ट्रीटमेंट, आई फील यू आर सजेस्टिंग थ्रू दैट टूल, दैट्स अ वेरी वेलकम थिंग. थैंक यू सो मच. यस, कैंसर इट्स नॉट जस्ट कैंसर बट कोई भी क्रॉनिक इलनेस हो तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट प्लस हेल्दी लाइफ स्टाइल. तो उसमें बहुत तरह की लाइफ स्टाइल होती है, सबका अपना अपना अलग अलग नजरिया होता है देखने का. कोई बोलता है किसी की एक्सेसिबिलिटी क्या है, अफोर्डेबिलिटी कितनी है, बिलीफ सिस्टम करता है कौन सी लेते हैं. सो दैट इज एंड द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज दैट इट शुड बी बैक्ड बाय साइंस. तो हम लोग की जो भी अप्रोचेस होती है, हम लोग गाइड कैंसर पेशेंट्स व्हेन वी काउंसिल देम, इवन हमारे एक्सपर्ट्स भी पूरा दे आर, इवन इफ वी से दैट यू शुड ईट दिस फ्रूट और यू शुड टेक दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज और दिस काइंड ऑफ थेरेपी बिकॉज इट्स बीन बैक्ड बाय साइंस की कौन सा रिसर्च हुआ है, व्हाई इट इज हेल्पफुल. तो आई थिंक आजकल एंड एवरीबडी डज अ लॉट ऑफ रिसर्च ऑनलाइन एंड सबको साइंटिफिक आंसर्स ही चाहिए. तो दैट वे दिस टूल इज सपोर्टिंग अ लॉट. सो आई एम ग्लैड दैट अवर टीम वी कुड मेक इट एंड इट्स हेल्पिंग अ लॉट ऑफ पेशेंट्स. सो इनिशियल डायरेक्शन मिलना जरूरी है क्योंकि तभी आप शॉक में होते हो जब कैंसर होता है कि अब क्या करें हम. और ये टूल आपको तब गाइड करता है कि ये सब चीजें हो सकती है, आप आराम से पढ़ लीजिए एंड देन आप अपने डॉक्टर के पास जाइए और उनसे पूछिए ये. सो या नाइस थिंग. सर लव हिल्स कैंसर इज डूइंग वेरियस एक्टिविटीज. एक्चुअली
एक बोलते ना मैं जैसे इकोसिस्टम बोल रहा था, इट्स प्रिपेयरिंग दैट इकोसिस्टम फॉर पीपल हु डोंट हैव दैट, यू नो वी डोंट हैव दैट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर सच अ वास्ट थिंग, वास्ट पेशेंट पॉपुलेशन, कैंसर पेशेंट. तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये आप बर्डन ईज करेगा टाटा का, आपका जो अप्रोच है उनका बर्डन थोड़ा डेफिनेटली ईज करेगा. या पर्पस यही है कि डॉक्टर्स भी बहुत ओवरबर्डनड है, बिकॉज इंडिया में आपको पता है डॉक्टर पेशेंट रेशियो कितना बुरा है. तो हम लोग कैसे पेशेंट्स को कुछ आंसर्स हम ही दे दें, ताकि डॉक्टर्स को वो बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं पूछे और डॉक्टर्स अपना मेन चीज पे फोकस कर सकते हैं. क्योंकि पेशेंट तो पूछेंगे ही, उनको उनको नहीं पता कैंसर क्या है, उनको नहीं पता कि क्या ट्रीटमेंट होता है, कितने टाइप के होते हैं, कब तक चलेगा, कितना पैसा लगेगा, क्या क्या चीजों का रोल इम्पोर्टेंट है इस जर्नी के अंदर, पूरा टीम होता है. तो जहाँ पे डॉक्टर्स नहीं आंसर कर पाते हैं या फिर टाइम नहीं होता है, वहाँ पे हम लोग और हमारे काउंसलर्स जो हैं वो लोग उनको हेल्प करते हैं. तो या आपका क्या मैसेज होगा बाकी पेशेंट्स और कैरियर्स को, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरी माँ का एक्सपीरियंस है तो मैं यही बताऊंगा कि यू शुड बी हैविंग अ पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड. इफ द बॉडी कैन क्रिएट अ कैंसर, इट कैन हील योर कैंसर आल्सो. मतलब ये सिचुएशन बॉडी में जस्ट बिकॉज ऑफ योर स्ट्रेस लेवल या कोई एनवायरनमेंट की वजह से बॉडी में जो एक छोटा सा लंप था वो बड़ा हो गया है, स्प्रेड हो रहा है, सेम बॉडी कैन ऑल्सो उसको रिवर्स भी कर सकती है वही साइकिल. बट यू हैव योर माइंड इज पावरफुल. आई फील द प्रेजेंट साइंस डजंट नो द पोटेंशियल्स ऑफ योर माइंड. इट नोज एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, इट्स फंक्शन, बट इट नेवर नोज हाउ द माइंड वर्क. आई फील वी शुड बी मोर डिपेंडेंट ऑन अवर माइंड देन अवर बॉडी. At that crucial time, if we follow the mind, definitely we can come out of this. Great, great. बहुत सही बोला आपने कि positive mindset होना काफी जरूरी है, because अगर body cancer दे सकती है तो body ले भी सकती है. Nice. Anything else you want to share with people? I feel not with the people, but you also, you just try to expand your network. And as I said, information reduced my tension. It reduces the anxiety. So the more information people get, I feel the more people information they get, na the ये जो problem है, जो burden है infrastructure पे, वो धीरे-धीरे कम हो जाएगा. Because people आते हैं तो बहुत late stage में आ जाते हैं वहाँ पर, तभी doctors भी कुछ भी नहीं कर पाते. बच्चे भी देखे मैंने छोटे-छोटे, so people don't know कि अगर ऐसा कुछ है तो हम लोग को पहले ही जाना है, treatment possible है. ये सब इन्फॉर्मेशन मैं नेट पे जाके मैं खुद सर्च कर रहा था तो मुझे इन्फॉर्मेशन मिल गया. लेकिन मुझे लगता है अगर रेगुलर कैंपेन्स रहेंगे तो शायद ये लोगों को समझ में आएगा कि कैंसर इज क्योरेबल ऑल्सो एंड इट इज इट कैन इजीली कम आउट ऑफ कैंसर. तो मुझे लगता है लोगों ने इन्फॉर्मेशन लेते रहना चाहिए, या फिर जहाँ पर ऐसा कुछ सेमिनार है वहाँ पर जाना चाहिए. Thank you. Very important. Information is needed and right time pe milna bahut zaruri hai before it's too late. Mm-hmm. Yeah. Yeah, yeah. True. Thank you so much. My best wishes to your team. Continue to do the good work. Yeah. If any time you require my support, yeah, I'm always there. Thank you. Really means a lot. Really appreciate you and thank you for being with us, and regards to your mother as well. Yeah. Thank you. I will convey your message. Take care. Bye-bye. Okay. Bye-bye. See you.